ये फोटोग्राफ देख रहे हैं आप, ये भोपाल के एक सरकारी हॉस्पिटल का फोटोग्राफ है और इसमें एक ड्यूटी डॉक्टर कॉर्नर में बैठी हुई हैं, उनके पांव के नीचे एक स्टूल रखा हुआ है और इसी फोटो को लेकर के बवाल मच गया है। ये जो ड्यूटी डॉक्टर हैं, डॉक्टर विजय लक्ष्मी वर्मा, इनके बॉस सुपरिटेंडेंट हैं कैलाशनाथ काटजू हॉस्पिटल के, सरकारी हॉस्पिटल है, उन्होंने इन्हें नोटिस जारी कर दिया है ये कहते हुए कि ये जो फोटोग्राफ है इस पर आप अपने आचरण को लेकर के स्पष्टीकरण दीजिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये नोटिस सही है? मेरी नजर में ये नोटिस पूरी तरह से बेतुका है और ये पूरी कार्रवाई बेतुकी है। एक डॉक्टर विषम परिस्थितियों में काम करता है, कई बार 8 से 9 घंटे तक उसे खड़े होकर की ड्यूटी करनी पड़ती है और ऐसी स्थिति में अगर 2 मिनट 5 मिनट अगर इस तरह से उस डॉक्टर ने आराम कर भी लिया तो क्या ये गुनाह है, क्या ये अपराध है, क्या इसके लिए उसको नोटिस जारी होना चाहिए? हॉस्पिटल के अधीक्षक ये भी कर सकते थे, नोटिस जारी करने से पहले उस डॉक्टर से बात कर लेते, हो सकता है उनकी तबीयत खराब थी इसीलिए वे आराम करने के लिए कुर्सी पर बैठी थी। लेकिन ये बहुत ही अमानवीय अप्रोच है इस तरह से नोटिस जारी करना कि आप इस तरह से बैठे क्यों थे, डॉक्टरों पर कार्रवाई करिए लेकिन जवाबदेही के साथ। अगर उन्होंने कोई लापरवाही की है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है, अगर उन्होंने अपने काम में कोई कोताही की है तो उनके विरुद्ध आप नोटिस जारी करिए, उनके विरुद्ध कार्रवाई करिए। लेकिन इस तरह से नोटिस जारी करके अपनी अथॉरिटी को दिखाना मेरी समझ में एक बचकाना हरकत है और एक बहुत ही बेतुकी कार्रवाई है। सवाल यह भी है कि क्या उठने बैठने चलने को लेकर के नोटिस जारी किया जा सकता है? सिर्फ अपनी अथॉरिटी दिखाने के लिए नोटिस जारी करने का यह अंदाज मेरी समझ में पूरी तरह से गलत है।